व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास जी की बातों को वर्तमान युग धर्म की स्थापना करने के लिए बैठे हुए हो यहां पर। और व्यास जी को भी युग धर्म की स्थापना करने के लिए नारद जी ने कहा कि व्यास जी कृष्ण का प्रेम और युग धर्म में चूक हो रही है, मीमांसा तो आपने बहुत कर दिया, लेकिन वर्तमान समय में, वर्तमान युग में, अब वर्तमान युग उस समय व्यास जी का उस समय का था और आज का वर्तमान युग अभी का है, तो उसमें भी परिवर्तन होंगे। और जिंदा वही रहता है जिसमें वर्तमान स्थितियों के अनुसार परिवर्तन और एक्सेप्टेंस की संभावना बनी रहती है, नहीं तो बाकी लोग समाप्त हो जाते हैं जो परिवर्तन के लिए राजी नहीं रहते। परिवर्तन करना पड़ेगा, परिवर्तन लाने पड़ेंगे। अब ये आने वाले समय में ऐसे ही होगा, रथ पे चल रहा है, भागवत जी की यात्रा निकलती है ना, बहुत जल्द हवाई जहाज पे निकला करेगी, अब तक निकल जाना चाहिए था, हाँ फ्लायर वैसे करके निकले, कहां बुलाओ भैया, निकला है शोभा यात्रा भागवत जी का। अब रथ वाला मामला गया तो सब चेंज होंगे, सब कुछ बदलेगा। हां पर ये कलश मत बदलना, ये कलश, ये विवाह पद्धति, ये भारत के जितने भी त्योहार, भारत के जितने भी उत्सव हैं, ये सनातन संस्कृति को जोड़ने के लिए और सनातन संस्कृति की एकता के परिचायक हैं। एक अब तुम तो ग्रामीण विवाह भी भूल गए हो कि सनातन संस्कृति में विवाह कैसे होता है, तुम्हारे विवाह इवेंट बन के रह गए, इसको बुलाओ उसको बुलाओ उसको बुलाओ, ऐसे कराओ बरमाला कराओ हा हू करो, हो गया तुम्हारा काम खत्म, बैठे हुए हैं, विवाह कर दिया इन्होंने। लेकिन अगर प्राचीन परंपरा हमारी जो है उसके अनुसार विवाह हो तो देवताओं को यज्ञ में आहूतियां दी जाती, ये संस्कार है, 16 संस्कारों में एक संस्कार ये भी है, तो पहला संस्कार जिसका ठीक नहीं हुआ, दूसरा ठीक नहीं हुआ, तीसरा ठीक नहीं हुआ, चौथा ठीक नहीं हुआ, पांचवा ठीक नहीं हुआ, उसका अंतिम भी ठीक कैसे होगा, तो जैसे तैसे हो जाता है महाराज, अंतिम संस्कार भी जैसे तैसे हो रहा है लोगों का, इसलिए प्रारंभ से ही संस्कार की जरूरत है। तो आप तो आप जो क्रिटिक्स हो, जो टिका टिप्पणी करते हो, मैं आपसे ही पूछता हूं, जो टिका टिप्पणी करते हो, तुम्हारे घरों में 16 संस्कार के पालन हो रहे हैं, तुम बताओगे, नाम भर बता दो, पालन करने की विधि भर बता दो, नहीं बता पाओ। लेकिन विद्वता का अहंकार है, अभिमान है, विद्वता शब्द ही अहंकार से दूर है, विद्वता हुई नहीं कि अहंकार विदा हुआ, या अहंकार विदा हुआ तब विद्वता आई, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। तुलसी की कबहू रह सके रवि रजनी एक ठाम, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी की कबहू रह सके रवि रजनी एक ठाम। इसलिए वर्तमान विषयों को लेते हुए श्रीमद् भागवत के कथाओं से सार यथा योग्य, जितने अपने पंख चलते हैं गौरैया की तरह चले, छोटी चिड़िया की तरह चले, व्यास पीठ पर बैठ करके जितना पंख चले, पर वर्तमान युग से जोड़कर आपके घरों में क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, अगर उस बात को व्यास पीठ न छुएगा तो कहां जाओगे पूछने, वो मानसिक डॉक्टर के पास, वो तो बैठ करके 5 सिटिंग ले लेगा तुमसे, 1 सिटिंग का इतना, दूसरे सिटिंग का इतना, आओ तुम्हारा काउंसलिंग कर दूं, काउंसलिंग करवाएंगे उनके पास, गली गली में खुले हुए हैं, साइको लोगों की भीड़ बढ़ गई है। अगर श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस की दिव्य कथाएं वर्तमान युग के अनुसार हमारे समाज में चलती रहें, तो और तो मैं कुछ नहीं जानता शारीरिक के बारे में, पर मानसिक एक डॉक्टर नहीं दुनिया में बच जाएंगे, भारतवर्ष में तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से सब मजबूत होंगे।